सोलन में जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से विजयी हुई आजाद उम्मीदवार आशा परिहार ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करीबन 30 वर्षों से वे भाजपा के साथ जुड़ी हैं और भाजपा को अपने क्षेत्र में स्थापित करने के लिए तन मन धन लगाकर काम किया, क्षेत्रवासियों की आवाज को बुलंद किया, विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन पार्टी के नेताओं ने टिकट आवंटन के समय हमेशा उन्हें दरकिनार किया। यही वजह रही कि क्षेत्रवासियों की मांग पर वे आजाद उम्मीदवार के रूप में न केवल खड़ी हुई बल्कि जीत भी हासिल की। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेताया कि विधानसभा चुनावों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर जीत हासिल नहीं की जा सकती है। आशा परिहार से जब भाजपा छोड़ आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उनके दिल में छुपा दर्द एकदम बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके बढ़ते कदम से अर्की के भाजपा नेता परेशान हैं और अब वे उन्हें अब अपने रास्ते का रोड़ा समझ रहे हैं। यही वजह है कि चुनावों के समय उन्हें हमेशा नजरअंदाज कर किसी दूसरे को टिकट दे दी जाती है, लेकिन वे पहले भी आजाद उम्मीदवार बनकर चुनावी क्षेत्र में उतरी और 2010 में जिला परिषद का चुनाव भी जीती। इस बार भी उन्हें पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया गया, लेकिन गाँव वासियों के अनुरोध पर वे फिर से चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर भाजपा के नेताओं को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को आने वाले चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, कारण यही है कि मैं इनके लिए आने वाले समय में इनके रास्ते में मैं कांटा इनको दिख रही हूं आने वाले, क्योंकि पिछली बार भी मेरा टिकट विधानसभा के लिए मुझे जो 10 महिलाओं को मोदी जी ने टिकट दिए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसमें और जिला सोलन से मुझे टिकट दिया गया था और लास्ट टाइम में मेरा टिकट काटा गया। यही वजह है कि इनको मुझसे खतरा है कि आने वाले विधानसभा में ये चुनाव लड़ेगी और ये बहुत ही सक्रिय रहती है राजनीति में और हर काम में, हर व्यक्ति के दुख सुख में उनके साथ खड़ी होती हूँ। यही कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुझसे डर है। बिल्कुल ना जाने क्या सोच करके चले हैं कि हम 2022 में इन लोगों के बिना ही हमारी जीत होगी, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, हर चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। बहुत से लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी करी 1977 से, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया, उन लोगों को आज वो लोग रुष्ट होकर के अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ तालमेल करके 2022 का चुनाव हमने जीतना है। लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं है, ये कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। 2022 का चुनाव अब बहुत नज़दीक है और उसका खामियाजा ना इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि हम लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुराने और सभी लोगों को साथ लेकर के चले, इनको अभी भी समझ नहीं आ रही है। अभी भी ये लोग सोचते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग दो जीते हैं, अमर सिंह ठाकुर, आशा परिहार, इनके बिना भी हम जिला का जो चेयरमैन बना सकते हैं। हमें इसमें कोई, इन लोगों ने हमसे कोई बात नहीं की है, इसलिए हम जितने भी इंडिपेंडेंट लोग जीत करके आए हैं, 9 लोग इस वक्त हमने जो शपथ आज ली है, 9 के 9 लोग हम एक चट्टान की तरह खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और एक इतिहास हमारा होगा कि हम आज़ाद, हमारा जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा और वाइस चेयरमैन बनेगा, हम सब लोगों का एक यही निर्णय रहा है। लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत सारे पदों पे मैं रही हूँ। 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ली थी, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी में रही, जिला महिला मोर्चा की 2 बार अध्यक्ष रही, डिस्ट्रिक्ट सोलन में, प्रदेश में, हमने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिम्मेवारियाँ दी उसमें हम कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम कोई छोटा सा, हमें पदों से वंचित रखा गया, हमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी के हमें कोई पद ना दिया जाए, इस तरीके की राजनीति अब चल रही है और इसी के चलते अभी हमने भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का टिकट मांगा था। 2010 में भी मैं इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला, उसके बावजूद भी जनता ने हमें 15 पंचायतों से अपना आशीर्वाद दिया था और अब भी 18 पंचायतों से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का टिकट मैंने मांगा था, लेकिन हमारी पार्टी के जो नेता है, हमारा मंडल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, उन्होंने हमें दरकिनार किया।
जिला परिषद सोलन में भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ले सकी। अगर भाजपा ने जिला परिषद चेयरमैन अपना बनाना है तो उन्हें अब आजाद उम्मीदवारों का साथ लेना होगा, जिन्हें चुनावों के समय में नजरअंदाज किया गया था, लेकिन जीतने के बाद भाजपा से छिटक कर आजाद उम्मीदवार जो जीत हासिल कर चुके हैं उनके इरादों से नहीं लगता है कि भाजपा की दाल यहां गलने वाली है। फिलहाल 1 फरवरी का दिन जिला प्रशासन ने चुना है जिसमें जीते हुए सदस्यों को बहुमत साबित करना है।